कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी में अव्यवस्था किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार सुबह से चल रही बरसात ने पीपली अनाज मंडी में पानी खड़ा कर दिया। वहीं मंडी में पहुंचा किसानों का धान पानी में बहने लगा। शेड के बाहर जितना भी धान मंडी में था सारा भीग गया। ऐसे में देखा गया कि बाहर पड़ा काफी धान का भीगने के कारण काला पड़ गया व जमाव होने लगा है। सारी गिल्ली हो गई। अच्छा, तो खरीद के लिए क्या करें हैं? खरीद तो अभी 25 तारीख से रुपये रहेगी। तो खेतों में जैसे लेट हो रही है तो खेतों में भी नुकसान है इसका? खेतों में भी जैसे पकी खड़ी है जी, बारिश की वजह से नुकसान है, गेहूँ लग रही है, सारी सड़न लग रही है खेतों में। तो मांग क्या आपकी सरकार से? मांग है जी, जैसे गवर्नमेंट की खरीद 20 तारीख से स्टार्ट होनी चाहिए जी, वैसे तो क्योंकि 3 महीने की वैरायटी, अगर 15 उससे भी जून से भी लगाते हैं फिर भी 3 महीने में तैयार होगी जी, 20 तारीख तक पक जाती है जी जून की। यहाँ पर बिकी रही है जो भी मौसम खराब है, मौसम अगर बीत गया पानी की जरूरत, अगर ये पहले बिक जाती थी अब तक के लिए सब लोग मौसम से बच जाती। अच्छा, तो कितना नुकसान होगा आपका? सारा नुकसान है, सारी खराब होगी पड़ी है। ठीक है, तो क्या मांग है सरकार से आपकी? मांग हमारी है कि जल्दी शुरुआत होनी चाहिए इसकी। वहीं मंडी प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली है। मंडी के निर्माण विभाग की लापरवाही यहां तक देखी गई कि बरसात की निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। निकासी व्यवस्था ठप होने के कारण मंडी में पानी खड़ा हो गया। वहीं मंडी में पानी खड़ा होने के बावजूद निर्माण विभाग के एक्सीएन सतीश ने कहा कि मंडी में बरसाती पानी खड़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पंप के साथ पानी निकाला जा रहा है। 15 अक्टूबर तक पूरा होना था लेकिन बारिशों की वजह से थोड़ा डिले है, लेकिन मंडी में किसी तरह की दिक्कत ना आए उसके लिए हमने वन रोड को स्टार्ट कर दिया। इसमें स्टॉर्म वाटर का थोड़ा काम था, वो अभी पेंडिंग है, वो तो बारिशों का सीन जैसे क्लियर हुआ उसको कोशिश रहेगी सीजन में किसी को दिक्कत ना। जी, तो जो निकासी है सर, निकासी का क्या प्रबंध किया गया? निकासी में इसमें स्टॉर्म वाटर लगा हुआ है जिसकी मोटर अभी चली हुई है। चली हुई है, तो अभी जैसे धान का सीज़न शुरू हो चुका है और 25 तारीख से धान की सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी, लेकिन आज ही जो बरसात हुई है उसमें बहुत ज़्यादा धान पानी में भीग चुका है और अभी भी डूबा हुआ है पानी में, और सड़कें पानी से अभी भी भरी हुई है, कई घंटे पर सड़कों पर कहीं पानी नहीं है, जो सड़कों के बीच में हमारी शैलो ड्रेन होती है उसके अंदर पानी है, सड़कों पे पानी नहीं है। बीच की सड़क सर अभी इस वक्त भी डूबी हुई है, बीच की सड़क वो तो डाउन हो गया है, वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है जी। तो आड़तियों का सर ये आरोप है कि जो निकासी है, निकासी पीछे से गहरा कर दिया और आगे से ऊंचा कर दिया, इसलिए पीछे पानी ज़्यादा खड़ा अभी भी रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक पॉइंट है, वहाँ पर हम पाइप लगा के उसको क्रॉसिंग कराएं। तो सरस्वती में निकालने का भी कोई ऐसा प्लान है इसमें पानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मंडी